हेलो एवरीवन, खमागणी, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? टॉपिक देख के क्या लग रहा होगा? डिवीशन मॉडल ऑफ नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन। हाँ, आप में से बहुत कम लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये आज किस बारे में बात होने वाली है। तो आज जो ज्योग्राफी ऑप्शनल के स्टूडेंट हैं उनको तो मन में लड्डू फूट रहे होंगे, अच्छा आज तो डिवीशन मॉडल पढ़ेंगे, क्या बात है, साइकिल ऑफ इरोजन के बारे में बात करेंगे। एंड इस कोर्स के अंदर देखो, ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, ठीक है? आप कोई भी चीज़ परचेज करो उससे पहले आपको एक सैम्पल मिलना चाहिए कि मेरे को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, इज़ इट बेनिफिशियल फॉर मी और नॉट, राइट? तो दिस इज मोर लाइक सैम्पल क्लासेस, ओके? बट लीव दैट अपार्ट, सैम्पल नॉन सैम्पल छोड़ो, ये एक रैंडमली उठाया हुआ टॉपिक है और ये रैंडमली पढ़ाया गया एक टॉपिक है। 25 अक्टूबर से हम ज्योग्राफी ऑप्शनल का नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं और अभी हम एक सीरीज़ के अंदर कुछ वीडियोस डालेंगे जिसमें हम साइकिल ऑफ इरोजन को कंप्लीट करेंगे। साइकिल ऑफ इरोजन के अंदर हम डेविस का मॉडल, हम पेंग का मॉडल, हम किंग का मॉडल और इन तीनों का कंपैरिजन, प्लस हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन हैं उनको भी अटेम्प्ट करेंगे, सो दैट यू कैन हैव अ अंडरस्टैंडिंग कि ये कोर्स किस तरीके से चलेगा। जनरली ज्योग्राफी जो है वो आप अगर देखो ना, आप कहीं पर भी जाओ, चाहे आप माउंटेन्स के पास जाओ, चाहे प्लेन एरिया में जाओ, चाहे आप रिवर्स के पास जाओ, डेल्टा के पास जाओ, यू विल सी ज्योग्राफिकल फीचर्स इन फ्रंट ऑफ यू। तो ऐसे में अगर वो कैसे बने हैं, उनका मैकेनिज्म क्या है, उनमें आगे क्या डेवलपमेंट हो सकता है, उनका पास्ट क्या था, अगर ये चीजें, अगर ज्योग्राफी को आप डे टू डे लाइफ से रिलेट करके समझने की कोशिश करो, आई कैन प्रॉमिस यू दैट विद 100% कॉन्फिडेंस कि ज्योग्राफी ऑप्शनल आपको कभी भी टफ या कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं आएगा जब आज मुझे रटने की जरूरत पड़ रही है क्या, दिस वुड बी लाइक हर एवरी डे वुड बी अ रिविजन, ठीक है? सो इसी के अंदर हम ये कुछ कंटिन्यूस वीडियोज यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। अगर आप इन वीडियो को देखना चाहते हैं आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और आप videos.onlyis.in पे जाके इसको देख भी सकते हैं, ठीक है? एंड आई अंडरस्टैंड कि साइकिल ऑफ इरोजन जो अगर आप जियोमॉर्फोलॉजी में या फिर पूरे ज्योग्राफी ऑप्शनल के अंदर अगर आप पिछले साल के पेपर उठा के देखोगे ना, इतना फ्रीक्वेंटली ये टॉपिक पूछा जाता है कि अगर आपने इस टॉपिक की बढ़िया से अंडरस्टैंडिंग करके इसको कंसोलिडेट नहीं करा तो जियोमॉर्फोलॉजी इनकम्प्लीट कंसिडर करी जाती है। आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, अभी मैं आपको बात करूंगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम देखेंगे, यू विल अंडरस्टैंड कि वट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू। डेविस का मॉडल हो गया, किंग का मॉडल हो गया, पेंक का मॉडल हो गया, ये सारे मॉडल्स इतने इंपॉर्टेंट हैं, मतलब आई कैन नॉट एम्फसाइज मोर ऑन दैट। एंड ऑल्सो दीज मॉडल्स आर कंसिडर्ड टू बी द कोर ऑफ जियो मॉर्फोलॉजी। बाकी सब सिंपल है, एक माउंटेन बिल्डिंग हो गया, एक आइसोस्टेसी हो गया, ये थोड़े थोड़े हार्ड टॉपिक्स हैं, बट ये जो टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ जियोमॉर्फिक साइकिल एंड लैंडस्केप डेवलपमेंट, डेंडुएशन, क्रोनोलॉजी, चैनल मॉर्फोलॉजी, इरोजन सरफेस एंड स्लोप डेवलपमेंट। इरोजनल सरफेसेस सिंपल है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, दिक्कत आती है इसमें जो मॉडल्स हैं उनमें क्या कॉन्सेप्ट है उस मॉडल का, क्या उनकी यूथ, मेच्योर एंड ओल्ड स्टेजेस हैं, पेंक ने क्या बोला, डेविस ने क्या बोला, किंग ने क्या बोला, इन सबके कॉन्सेप्ट जो है उनमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है एंड देन कम टू दी कंपैरिजन पोर्शन, ठीक है? तो हम इसको वन बाय वन करेंगे। आई विल मेक श्योर कि आप करो ना करो, बट दिस थ्री मॉडल्स पर्टिकुलरली मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड करूंगी, आप इसको आराम से देखो, समझो। बाकी अच्छा, इसमें आई ऑल्सो नीड सजेशंस, आप मुझे बताओ, सजेशंस दो कि अच्छा हम इसको इस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, हम इसमें ये वाली, इस पूरे कोर्स में बात कर रही हूँ, इस पूरे कोर्स में हम ये इंक्लूड कर सकते हैं, इस तरीके से आप इस कोर्स के स्ट्रक्चर चाहते हो तो हम क्या है उस तरीके से उसका स्ट्रक्चराइज कर सकते हैं। नाउ मैंने आपको बोला कि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में मतलब हाउ वुड आई नो, आई वुड लुक एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट एवरी ईयर इस पर्टिकुलर पोर्शन में से क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन रिपीटेटिव क्वेश्चन है, लेकिन फ्रेमिंग सबकी अलग है। देखो, डिस्कस द व्यू ऑफ डब्ल्यू एम डेविस एंड वॉल्टर पेंक ऑन द साइकिल ऑफ इरोजन। 20 नंबर का सवाल है, 1986 का, तो आपको पहले पता होना चाहिए डेविस ने क्या बोला, पेंक ने क्या बोला, तभी आप उनके व्यू डिस्कस कर सकते हो। अनदर 1994, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन एंड ब्रिंग आउट क्लियरली द डिफरेंस। डिफरेंस आ गया अब यहाँ पे कि अब बताओ, इन्होंने क्लियर नहीं पूछा, इन्होंने बस डिस्कस द व्यू बोला, लेकिन 1994 में क्लियरली पूछ लिया कि डिफरेंस बताओ कि डेविस और पेंक में डिफरेंस क्या था। ओके, बताएंगे हम जब हमारे डेविस एंड पेंक कंप्लीट हो जाएंगे तो हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। क्रिटिकली एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ जियोमॉर्फिक साइकिल एंड डिस्कस द व्यूज ऑफ डब्ल्यू एम डेविस एंड डब्ल्यू पेंक। ओके, सेम क्वेश्चन है, राइट? शॉर्ट नोट ऑन डिफरेंसेज बिटवीन द नॉर्मल एंड एरिड साइकिल ऑफ डेविस। अच्छा, मतलब जैसे आप टॉपिक में भी देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन लिखा है, मैंने साइकिल ऑफ इरोजन भी नहीं लिखा है। तो डेविस ने
बाद में जब इसने करेक्शन करा तो इसने डिफरेंट साइकिल ऑफ इरोजन भी दिए थे. एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टैंडर्ड इपिजिन साइकिल ऑफ इरोजन. ओके, ये भी हम आंसर करेंगे. इन एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पेडीप्लेनेशन किंग कंबाइंड द आइडियाज ऑफ डेविस पेंक एंड वुड ऑफ हिज होम. अच्छा, तो मतलब पहले तो आपको किंग का आइडिया पता होना चाहिए, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा आइडिया डेविस का, पेंक का या वुड का था, फिर किंग ने उसको कैसे कंबाइन करा और तब जाके वो अपने खुद के कॉन्सेप्ट पे पहुंचा. तो सबका कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. राइट, शॉर्ट नोट ऑन द टिपिकल फीचर ऑफ अ रीजन ऑफ अ लाइमस्टोन रॉक. अच्छा, ये तो वो इरोजनल फीचर्स की बात आ गई है. एनालाइज द सीक्वेंशियल डेवलपमेंट ऑफ लैंड फॉर्म इन ईदर क्रास्ट और कोस्टल, या तो कोस्टल में या क्रास्ट में. आप मेच्योर से नहीं, अपना यूथ से मेच्योर से ओल्ड पे कैसे पहुंचे हो, सीक्वेंशियल डेवलपमेंट में बात करो. कूल, फिर से बोल रहा है सीक्वेंशियल डेवलपमेंट की बात करो आप कोस्टल एरिया में. कूल, फिर से बात कर रहा है कि शॉर्ट नोट लिखो क्रास्ट लैंडफॉर्म पे. ओके, वी गेट इट. टू, सेंड पिट्स एंड टोम्बोलोज कैसे फॉर्म होते हैं, दीज आर ऑल्सो इरोजनल फीचर, कोस्टल के हैं ये. ओके, डिस्कस द इवोल्यूशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लैंड फॉर्म्स ऑफ द ग्लेशिएटेड रीजन. अच्छा, ग्लेशिएटेड रीजन में का मतलब क्या हो गया, ग्लेशियर फीचर की बात कर रहा है ये. ठीक है, डिस्क्राइब द बास्केट ऑफ एक्टोपोग्राफी, ये ग्लेशिएटेड फीचर का ही एक पार्ट है बास्केट ऑफ एक्टोपोग्राफी. ये 2016 में क्वेश्चन आया था, सडनली लगा था बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ गया बास्केट ऑफ एक्टोपोग्राफी. मतलब अब आपको सविंदर सिंह में जितने भी हाईलाइटेड पोर्शंस दिए हुए हैं, जितने भी बोल्ड लेटर्स में लिखे हुए हैं, सब पढ़ना पड़ेगा. नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये तो उसमें भी देके रखा था हमारी जी, सिलियोंग के अंदर भी बहुत क्लियरली देके रखा था ये तो. डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पेरी ग्लेशियर साइकिल इज प्रपाउंडेड बाई द पेटलियर. ओके, दिस इज न्यू. डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द अमेरिकन स्कूल ऑफ सब एरियल डेंडुएशन ऑफ द जियोमॉर्फोलॉजी. ये भी हम बताएंगे, हम बिल्कुल टॉपिक एंड होने पर सब बताएंगे जियोमॉर्फोलॉजी पे. शॉर्ट नोट लिखना है रिजनोवेटेड लैंडफॉर्म पे. कूल, पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग. पॉलीसाइक्लिक की तो अभी थोड़ी सी डिस्कस करेंगे, पॉलीसाइक्लिक क्या होता है. एक्सप्लेन द फैक्टर कॉजिंग रिजनोवेशन इन द लैंडस्केप. क्या फैक्टर्स हैं जो लैंडस्केप में रिजनोवेशन लेके आते हैं और उससे कैसे रिजल्टेंट लैंडफॉर्म्स बनते हैं. फाइन, वी विल डिस्कसिंग दैट ऑल्सो. फिर अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ, फिर से आ गया पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म्स. भाई फाइन, हम इसको डिस्कस करेंगे. तो इस तरह के आप देखो, मतलब पूरे क्वेश्चन पे ऐसे लगेगा क्वेश्चन पढ़ रही हूँ. वॉट इज बेस लेवल, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ बेस लेवल्स क्या होते हैं. तो आप देखोगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं. कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स लगते हैं, लेकिन अगर इफ़ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट तो आपको वो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन भी इतना नहीं लगेगा. जैसे कि हाईलाइट द जियोमॉर्फिक फीचर एसेंशियली फाउंड इन द टोपोग्राफीज अंडर द सेकंड साइकिल ऑफ इरोजन. सेकंड साइकिल ऑफ इरोजन क्या होता है, अभी जब ये टॉपिक खत्म करेंगे तब तक आपको पता चल जाएगा सेकंड साइकिल ऑफ इरोजन क्या होता है. कि एक बार साइकिल ऑफ इरोजन का जब रीजनोवेशन होता है, दैट इज जस्ट द चेंज इन द लैंग्वेज. ठीक है, तो यार ये डब्ल्यू डी थोन, अभी टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं. डब्ल्यू डी थोनबर्ग ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जस्ट सेम फिजिकल प्रोसेस इन द लॉज जो आज ऑपरेट कर रहे हैं वो सदियों से चले आ रहे हैं. नथिंग इज़ न्यू. ऐसा नहीं है कि आज मैं माउंटेन फीचर देख रहे हैं या आज हिमालय बनाए तो ओ हिमालय इज़ द माइटीएस्ट माउंटेन. हिमालय इज़ द माइटीएस्ट माउंटेन इन द प्रेजेंट टाइम. ठीक है, आज से पहले बहुत हिमालयस बने, हिमालय से ऊंचे ऊंचे पर्वत बने, लेकिन वो इरोड हो गए. आज हिमालय है, कल हिमालय इतना ऊंचा नहीं रहेगा, वो भी इरोड हो जाएगा. तो ये डब्ल्यू डी थोनबर्ग ने यही बोला था कि ऐसे फिजिकल प्रोसेस और जो लॉ हैं जिनसे डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बनते हैं, ये थ्रू आउट द जियोलॉजिकल टाइम बनते आए हैं. हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि सेम इंटेंसिटी से काम कर रहे हों. क्या इंटेंसिटी, जाहिर सी बात है अलग हो जाती है, लेकिन ये काम करते आए हैं. तो उसके बाद में इन्होंने एक हमारे हटन थे जेम्स हटन 1785 के अंदर इन्होंने पहली बार द प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मलिटिज्म का आइडिया दिया था. प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मलिटिज्म में उन्होंने क्या बोला कि जो जियोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं ना, वो सेम इंटेंसिटी से हर जियोलॉजिकल टाइम पीरियड के अंदर उसी तरीके से एक्टिव रहे हैं. हालांकि बाद में इन्होंने थोड़ा सा उसको चेंज भी करा और उन्होंने बोला कि प्रेजेंट इज़ द की टू द पास्ट. जो आप आज देख रहे हो, दैट प्रेजेंट इज़ द की टू द पास्ट. वो चीज़ पास्ट में भी हुई है, एंड यू कैन ऑल्सो से दैट प्रेजेंट इज एक्चुअली द की ऑफ द फ्यूचर ऑल्सो. आप आज की अगर स्टडी करोगे, आज जितने भी लैंडफॉर्म इवोल्यूशन हुए हुए हमको दिखाई देते हैं, वैसे यू नो लाइक दिट्स अ साइकिल, स्टेप बाय स्टेप हो रहा है. तो नो वेस्टिज ऑफ अ बिगिनिंग एंड नो प्रोस्पेक्ट ऑफ एन एंड. कोई शुरू नहीं है, कोई ख़त्म नहीं है, हर चीज़ एक साइकिल में चलती है. दैट इज़ वाई इट इज़ बींग कॉल्ड साइकिल ऑफ इरोजन. तो उनके कॉन्सेप्ट से मतलब हटन का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है डेविस की थ्योरी पे.
तो हटन ने ये वाली चीज़ भी बताई थी कि जितनी भी जियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं जो अर्थ की क्रस्ट में होते हैं, जो प्रेजेंट में हो रहे हैं, वो जियोलॉजिकल पास्ट में भी एक्टिव थे। जियोलॉजिकल एंड जियोमॉर्फिक हिस्ट्री को उन्होंने चेंज करा है, उन्होंने रिकन्स्ट्रक्ट करा है आज प्रेजेंट प्रोसेस में, और आगे वो जितने भी टोपोग्राफिक एक्सप्रेशन या लैंडफॉर्म होंगे उनको भी वो चेंज करेंगे। तो हटन अगर हम बोलें, अगर एक तरीके से बोले तो हटन जो है वो पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिक नेचर ऑफ अर्थ हिस्ट्री बताया था कि हर कोई चीज पहली बार नहीं हो रही है, दिस इज ए साइकिल, इट कीप्स ऑन गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग। तो साइक्लिक नेचर ऑफ हिस्ट्री जब उन्होंने हटन ने बताया था तो उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे मेरी बात ध्यान से सुनना, जैसे जब हम माउंटेन बिल्डिंग की बात करते हैं तो उसमें हम चार पीरियड्स ऑफ माउंटेन बिल्डिंग की बात करते हैं कि ये आया था हमारा प्री कैम्ब्रियन के अंदर, कैलेडोनियन के अंदर, हर्शीनियन के अंदर और टर्सरी के अंदर आया था, ठीक है। तो ये बताया, और उन्होंने बताया कि हर एक जो माउंटेन बिल्डिंग पीरियड आया था उसके बाद में एक शांति का पीरियड भी आया था, ठीक है, जिसको हम पीरियड ऑफ क्वेसेंस बोलते हैं। सिमिलरली इन्होंने ये चीज़ भी बोली कि हर एक ग्लेशियल पीरियड जो आया था पेलियोसीन आइस एज के टाइम में, उसके जस्ट बाद में, मतलब दो आइस एज के बीच में एक इंट्राग्लेशियर, एक इंटरग्लेशियल पीरियड भी था। काफ़ी सारे एविडेंस भी दिए उन्होंने कि किस तरीके से जो जियोलॉजिकल प्रोसेसेस होती है वो अपने बहुत सारे साइकिल्स कंप्लीट करती हैं। तो इन्होंने एग्जांपल भी दिया, जैसे इन्होंने ना डेंडुएशनल क्रोनोलॉजी का दो एग्जांपल दिए, अपलेचियन का और पेनिनसुलर इंडिया का एग्जांपल दिया। मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी यहीं पे फोकस रहना, लिसन टू इट वेरी क्लियरली, क्योंकि ये दिखने से ज़्यादा मेरी चाहती हूँ कि आप इसे समझो। जैसे कि अपलेचियन माउंटेन, तो इन्होंने क्या बोला कि अपलेचियन माउंटेन जो है ड्यूरिंग द परमियन पीरियड की बात करूं मैं, परमियन पीरियड के टाइम पे इसका पहला अपलिफ्टमेंट हुआ था। उसके बाद में एक बार अपलिफ्टमेंट हो गया तो क्या होगा, एक्सोजेनिक फोर्स अपना काम करेगा, डेंडुएशनल चीज़ें आएंगी और इसको इरोड करना स्टार्ट करेगी, तो इसका इरोजन स्टार्ट हुआ। इसका जब इरोजन स्टार्ट हुआ तो स्कूली पेनेप्लेन बना था यहाँ पे, SCHOO स्कूले पेनेप्लेन बना था यहाँ पे। पेनेप्लेन क्या होता है, जब माउंटेन को पूरा रिवर काट देती है, एकदम प्लेन एरिया बना देती है, उसको हम पेनेप्लेन बोलते हैं, ठीक है। तो फिर ये पेनेप्लेन बन गया, फिर सेकंड साइकिल आया, सेकंड साइकिल के अंदर फिर से ये पेनेप्लेन अपलिफ्ट हुआ और फिर से इसका इरोजन स्टार्ट हुआ। इस बार जब इरोजन स्टार्ट हुआ तो ये स्नोडन पेनेप्लेन बना, स्नोडन पेनेप्लेन अगर हम इसको लिखें, SHENON DOAH, स्नोडन पेनेप्लेन बना था। फिर से थर्ड फेज ऑफ अपलिफ्टमेंट आया, जब पेनेप्लेन फिर से बढ़ा और अभी भी उसका एक्टिव डेंडुएशन हो रहा है, जिसकी वजह से अभी जो एक्टिव डेंडुएशन हो रहा है इसकी वजह से हैरिसबर्ग पेनेप्लेन बना, ठीक है। तो ये चीज़ें हटन ने बोली थी, हटन ने एग्जाम्पल दिया था। तो हटन ने बोला कि ये इस तरीके से साइकिल ऑफ इरोजन जो है ना, पास्ट फर्स्ट साइकिल ऑफ इरोजन, सेकंड साइकिल ऑफ इरोजन, थर्ड साइकिल ऑफ इरोजन, इस तरीके से चलता रहता है। तो इंडिया के अंदर भी इसी तरीके साइकिल ऑफ इरोजन हुए हैं जिसके अंदर साइक्लिक डेवलपमेंट हुए हैं, जैसे कि धारवाड़ लैंडस्केप है, जैसे कि कडप्पा एंड हमारा विंध्यन लैंडस्केप हो गया है, जैसे कि कैम्ब्रियन लैंडस्केप है, गोंडवाना लैंडस्केप है, तो ये सारे साइक्लिक है, इट्स नॉट लाइक कि एक ही बार उठाए, तो ये उठते रहते हैं, अपलिफ्टमेंट होता रहता है, इरोजन होता रहता है, अपलिफ्टमेंट होता है, इरोजन होता है, सो दिस साइकिल कीप ऑन गोइंग। तो उसी साइकिल ऑन कीप ऑफ गोइंग के अंदर एक बार रिवर का इरोजन कैसे होता है, वो रिवर कैसे इरोजन करती है वो समझो, बहुत ही सिंपल भाषा में हम एक बार बात करेंगे। माउंटेन है यहाँ पे, ठीक है, माउंटेन जितना ऊपर उठेगा दो चीज़ें हो सकती है कि या तो ये जैसे वेस्टर्न घाट के अंदर है पानी को स्टोर करके रखती है और फिर वहाँ से क्या होता है सारी छोटी छोटी स्ट्रीम्स जो यहाँ से निकलती हैं वो एक साथ में मिलकर एक बड़ी सी रिवर बनाती है, या फिर हिमालय की तरह अगर ये ग्लेशिएटेड है, अगर यहाँ पे आइस कैप्स हैं तो ये आइस कैप्स क्या होती है, मेल्ट होती रहती है और पानी का सोर्स आता रहता है। बट द पॉइंट इज कि रिवर बन गई है, जब रिवर बन जाती है तो रिवर क्या करेगी, हर एक पानी, रिवर क्या है, एक डेंडुएशनल एक इरोजनल एजेंट है, तो ये इरोजनल एजेंट क्या करेगा, इसको इरोड करेगा, इसका काम है कि अब इसकी कटिंग डाउन चालू होगी। तो जब ये कटिंग डाउन चालू होती है तो रिवर डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू जाती है। सबसे पहले हमारी आती है यूथ स्टेज, यूथ स्टेज का मतलब है कि अभी अभी जस्ट निकली है, यू नो, जस्ट लाइक द यंग एज, अभी तो टीनेजर के अंदर है, वो चल रही है, तो टीनेजर के अंदर बहुत एनर्जी होती है, यहाँ पे बहुत पानी होता है इसके अंदर, तो ये क्या करती है, वर्टिकल इरोजन करती है। वर्टिकल इरोजन क्या होता है, इस तरीके से नीचे की तरफ इरोजन करना, जब ये पहाड़ को नीचे वर्टिकली कट करेगी तो क्या बनेगा, वैलीज बनेगी,
गॉर्जेस बनेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से वैलीज एंड गॉर्जेस बनने लग जाते हैं। तो ये यूथ स्टेज है, यूथ स्टेज में हाई इंटेंसिटी है, पानी बहुत है, ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी बहुत अच्छी है, बड़े बड़े बोल्डर्स को अपने साथ में लेके चली जाती है। जैसे गंगा का एग्जाम्पल ले लो, जैसे ही आप ऋषिकेश हरिद्वार, ऋषिकेश के अंदर गंगा प्लेन्स पे आ जाती है ना, तो ऋषिकेश में आप अगर कभी गए हो तो आप देखना, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े बोल्डर्स हैं गंगा के पास में, बहुत ऐसे लाइक ऐसा लगता है कि बताओ रिवर में कितनी ताकत इतने बड़े बोल्डर्स उठा के लेके आ गई है। तो वो तो कुछ भी नहीं है, दैट इज नथिंग इन कम्पेयर टू वट द कैपेसिटी ऑफ रिवर इज। फिर थोड़ा सा मेच्योर होती है, फिर बोलती है अच्छा चलो बचपना छोड़ देते हैं, हम मेच्योर हो जाते हैं। तो जैसे ही मेच्योर होती है वो, तो ये वर्टिकल इरोजन कम कर देती है और ये वाइडनिंग ज़्यादा कर देती है, ठीक है। वाइडनिंग ज़्यादा, इसको आप ऐसे समझो कि जब आप छोटे होते हो ना, तो आप बहुत खुरापाती होते हो, ठीक है, हर एक चीज़ को खरोदते रहते हो, परेशान करते रहते हो, कटिंग करते रहते हो, आपने हर चीज़ तोड़ दी फोड़ दी। तो ये भी माउंटेन को तोड़ फोड़ के वैलीज बनाती हैं। लेकिन आप जैसे ही बड़े हो जाते हो, देन यू वाइडन, लाइक अभी मैं थोड़ा नॉलेज वाइडन करूंगा, मैं थोड़े अपने फ्रेंड्स सर्कल वाइडन करता हूँ, देन यू स्टार्ट वाइडनिंग। तो आप लेटरल इरोजन जो है, इसको लेटरल इरोजन बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल होता है साइड बाई साइड, लेटरल इरोजन को ज़्यादा कर देते हो। तो इसमें क्या हुआ कि अभी आप थोड़े से प्लेन एरिया पे आ गए हो, अब आप अपने जो साइड की तरफ बैंक्स हैं इनकी तरफ, रिवर जो है मेच्योर स्टेज के अंदर अपने जो बैंक्स हैं उनको ज़्यादा वाइडन करना स्टार्ट कर देती है। वर्टिकल इरोजन चल रहा है, बंद नहीं हुआ है, चल रहा है, लेकिन वर्टिकल इरोजन का इंटेंसिटी कम हो गया है, क्योंकि अभी एक तो स्लोप कम हो गया है ना, ऊपर पहाड़ पे तो स्लोप बहुत ज़्यादा है, बहुत इंटेंसिटी से आ रही थी, अभी इधर स्लोप कम हो गया है। तो स्लोप कम होने से एक तो पानी स्लोली चल रहा है, ठीक है, और पानी स्लोली चल रहा है के साथ में क्या है, ये थोड़ी रिवर की एनर्जी कम हो गई, थोड़ी शांत हो गई है, थोड़ी शांत होगी, लिटरली कट करेगी अपने अपने जो बैंक्स उनको कट करेगी। तो इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स बनते हैं, जैसे कि फ्लड प्लेन्स बनता है, खादर बनता है, भाबर बनता है ना, ये सारे फीचर्स बनते हैं। अच्छा, जब फ्लड प्लेन बनता है तो पानी का रिवर नहीं, रिवर का पानी जब बहुत दूर तक फ्लड एरिया में जाता है, तो इसका फ्लड प्लेन का जो लास्ट पॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं ब्लफ लाइन, ब्लफ मास्टर नहीं, ब्लफ लाइन बोलते हैं इसको, ठीक है। और जो लीवीज होती हैं वो क्या होती है, जो नॉर्मली जो पानी बहता है उसके आसपास वाला जो बॉर्डर होता है, हम जब बाद में रिवर के फीचर्स पढ़ेंगे तब हम ये सारी चीज़ें भी करेंगे, अभी मैं आपको जनरल आइडिया दे रही हूँ कि रिवर कैसे मूव कर रही है। तो यहाँ से ये मेच्योर स्टेज में आ गई है, अब मेच्योर स्टेज में इसने पूरा अपना वाइडन कर लिया है, फ्लड प्लेन एरियाज बना लिए हैं, आगे चल रही है। अभी अभी क्या हुआ कि और भी एकदम प्लेन समतल एरिया पे आ गई है, ठीक है, यहाँ पे तो और भी हल्का फुल्का स्लोप है, यहाँ पे ऑलमोस्ट समतल एरिया आ गया है। और अब जो ये यहाँ से सेडिमेंट लेके आई थी, जो ये इरोजन कर रही थी, वो इरोजन यहाँ पे कुछ तो फ्लड प्लेन में आ गया, और यहाँ पे क्या है कि स्लोप नहीं है, जब स्लोप नहीं होता तो रिवर को बहने में बड़ी दिक्कत होती है, मतलब यू नो लाइक पानी तो कैसे बह रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स में ही तो बह रहा है पानी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स में पानी क्या करता है, ऐसे मीएंडरिंग करता है, मीएंडरिंग को सिंपल भाषा में बताऊँ तो मुड़ मुड़ के चलती है रिवर, है ना, सर्पिलाकार जिसको हम बोलते हैं, वैसे चलती है कि जहाँ पे भी इसको स्लोप मिलेगा वैसे चलेगी। अब ये रिवर बहुत थक गई है, ये ओल्ड स्टेज के अंदर आ गई है। ओल्ड स्टेज के अंदर क्या होगा कि जो भी इसके पास सेडिमेंटेशन है, ये कोशिश करेगी कि यार मैं अब बहुत थक गई हूँ, मेरे पास बहुत बोझ हो गया है, मैं जहाँ पे भी मेरे को मौका मिलेगा मैं इसको छोड़ दूंगी, जो बोझ हो गया है इसके रिवर के लिए, बोझ क्या है, सेडिमेंटेशन। तो ये क्या करती है, ये या तो ऑक्सबाउ लेक्स बना लेती है यहाँ पे, और यहाँ पे एंड में जाके तो बिल्कुल डेल्टा बना लेती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से रिवर के डिफरेंट स्टेजेस हैं, रिवर की यूथ स्टेज है, रिवर की मेच्योर स्टेज है, और रिवर की ओल्ड स्टेज है। तो डेविस बैंक, किंग वुड, इन सब ने इन्हीं डिफरेंट स्टेजेस को, इनको ही साइकिल ऑफ इरोजन का नाम दिया था, कि ये डिफरेंट फीचर्स कब आता है, कैसे आएगा, क्या इसका प्रोसेस है, इन सारी चीज़ों पे इन्होंने एम्फेसिस करा था। तो उसमें आज हम पहला पढ़ेंगे साइकिल ऑफ इरोजन के अंदर डेविस का। तो ये डेविस का डायग्राम है, डेविस ने पूरा एक पूरा अपना डायग्राम देके डेविस ने बताया था कि इस तरीके से जो लैंडफॉर्म्स हैं वो बनते हैं डिफरेंट स्टेज के अंदर। तो डेविस का कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी रहे हैं, कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी रहे हैं, दोनों के बारे में हम बात करेंगे। तो डेविस जो है, इन्होंने 1899, एक तो ये ईयर याद रखो, 1899 आज से कितने साल पहले की बात है, इतने साल पहले डेविस ने, और 1899 तक कुछ नहीं आया था, 1899 तक कन्वेक्शनल थ्योरी नहीं आई थी, 1899 तक सी स्प्रेड थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक कुछ नहीं आया था। बहुत स्टार्टिंग के अंदर ये जब स्टडी कर रहे थे, जेनेटिक क्लासिफिकेशन और सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द लैंडफॉर्म की जब स्टडी कर रहे थे, तो इन्होंने साइकिल ऑफ इरोजन दिया, जियोग्राफिकल साइकिल बोला, इन्होंने बोला कि कोई भी जो इरोजनल एजेंट है, तो वो इरोजनल एजेंट भी नहीं बोला था, उन्होंने बोला कि कोई भी जो लैंडफॉर्म है, वो लैंडफॉर्म ना तीन तीन चीज़ें उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और वो एक साइकिल से बनता है स्टेप बाय स्टेप। तो ये ना इवोल्यूशन पे बहुत ध्यान देते थे, और ये इनका ना बाद में जब पेंक आए, तो पेंक ने भी ये बोला कि मतलब अगर आप डेविस का टाइम हटा दो, मतलब जैसे ह्यूमन है, जैसे बेबीज होते हैं, फिर टीनेजर्स में आते हैं, फिर अडल्ट में आते हैं, फिर वो मेच्योर स्टेज में आते हैं, ओल्ड स्टेज में आते हैं, क्या हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप
इवोल्यूशन हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप आप बड़े हो रहे हो। तो यही भी इस निर्णय भी यही बोला कि ये जो साइकिल ऑफ इरोजन है इसमें भी सेम ही चीज़ है। आप पहले बनते हो, आप मिच्योर होते, आप पहले यूथ होते हो, मिच्योर होते हो, ओल्ड होते हो, तो आपके टाइम है, मतलब इवोल्यूशन एक स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक इवोल्यूशन हो रहा है। तो इन्होंने एक ट्रायो दिया था, ट्रायो में बोला कि स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम की बात करेंगे हम। स्ट्रक्चर में इन्होंने बोला, स्ट्रक्चर में क्या बोला कि यार लिथोलॉजिकल रॉक टाइप, रॉक टाइप में क्या है, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। सेडिमेंट्री रॉक बहुत जल्दी इरोड हो जाती है, इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक थोड़ा मुश्किल से रेजिस्टेंट होती है इरोजन में। स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक, फोल्डिंग है, फोल्डिंग है, जॉइंट है, किस तरीके से, नेचर ऑफ लैंडस्केप क्या है, किस तरीके से जो अर्थ का हिस्ट्री है, जो कंटेम्प्रेरी सीनरीज है वो बनी हुई है, और ये सारी चीज़ें। जैसे अगर ये स्ट्रक्चर की हम बात करें ना, तो स्ट्रक्चर क्या करता है, ये नंबर ऑफ, देर आर नंबर ऑफ वेरिएशंस, और उन वेरिएशंस की वजह से वाइड रेंज ऑफ वेदरिंग प्रोसेस और इरोजनल प्रोसेस होती है, उसकी वजह से डिफरेंट लैंडफॉर्म फीचर्स बनते हैं। तो उन्होंने बात करी प्रोसेस की। प्रोसेस के अंदर उन्होंने क्या बोला कि यार ये वेदरिंग, इरोजन हो गया, मास वेस्टिंग हो गया, हाउ दीज लैंडफॉर्म्स आर बीइंग इवोल्यूशनिंग, है ना, कैसे इवोल्यूशन हो रहा है उनका। और फिर टाइम की बात करी उन्होंने कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डिफरेंट टाइप के फीचर बनते जाएंगे। तो उन्होंने बोला लैंडस्केप इज अ फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। ये चीज़ समझ आई आपको, स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, टाइम क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये ना, ये ऐसे मान लो कि क्रक्स है, डेविस का क्रक्स है, स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, टाइम क्या होता है, तीनों चीज़ें समझ आ गई। तो डेविस ने टाइम को ना सिर्फ टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने बोला था प्रोग्रेशन ऑफ चेंज ऑफ लैंडफॉर्म्स, कि मतलब यूथ, मिच्योर एंड ओल्ड स्टेज के अंदर देर इज अ प्रोग्रेशन ऑफ चेंज। मतलब आप अभी जब हम पढ़ेंगे ना पूरा डेविस का थ्योरी, आपको समझ आ जाएगा कि क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं हम, ठीक है। तो डेविस ने पूरा जो लाइफ स्पेन ऑफ जियोग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन था ना, इसको तीन स्टेज में बांटा। इन्होंने बोला यूथ स्टेज है, मेच्योर स्टेज है, ओल्ड स्टेज है, या इसको ऐसे बोलो कि पेनुल्टिमेट स्टेज है, जैसे पेनिप्लेंस बनता है वैसे बनाया था इन्होंने, ठीक है। तो यूथ स्टेज में क्या बोला कि हाई लेवल ऑफ एनर्जी है, बहुत रिवर बहुत तेजी से बह रही है, देर इज हायर एनर्जी लैंड फॉर्म्स हैं। मेच्योर स्टेज में थोड़ा मीडियम है, स्टेबल हो रहा है, बच्चा बड़ा हो गया, स्टेबल हो रहा है, मीडियम लेवल ऑफ एनर्जी है। बुढ़ापे में, अरे अब तो बूढ़ा हो गया, चला भी नहीं जा रहा है, देर इज लो लेवल ऑफ एनर्जी लैंड फॉर्म्स है, ठीक है। इसको आप ऐसे लिंक करते जाओगे, रिलेट करते जाओगे ना, तो चीज़ें बहुत ईजिली याद हो जाएगी, रट्टाफिकेशन तो कतई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले हम चले यूथ स्टेज पे, उससे पहले एक बार डेविस ने क्या क्या, मतलब बोलते ना कि थोड़ा सा उन्होंने बेसिक प्रिमाइसिस दिया था कि देखो भाई मैं जो बताने वाला हूँ उस पर इस तरह की बात होने वाली है। तो सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि कोई भी जो लैंडफॉर्म होता है, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्स क्या होता है, जो अर्थ के अंदर से उत्पन्न हो रहा है, अर्थ के अंदर से, जैसे वोल्केनिक एक्टिविटी हो गया, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, है ना, ये सडन भी हो सकता है और ये स्लो मूवमेंट भी हो सकता है। एक्सोजेनिक क्या होता है, जो बाहर ऑन द सरफेस काम कर रहा है। एक्सोजेनिक सरफेस के अंदर हमारे इरोशनल एजेंट्स आते हैं, वेदरिंग आती है, हमारा मास वेस्टिंग आता है, कि किस तरीके से जो एंडोजेनिक ने बनाया है, जो वर्टिकल इरेगुलरिटीज़ दी हैं, ये जो इसको हम बोलते हैं वर्टिकल इरेगुलरिटीज़, क्योंकि क्या हो रही है, ये वर्टिकल प्लेन सरफेस में इरेगुलरिटीज़ लेके आ रही है। तो बोलते हैं वर्टिकल इरेगुलरिटीज़ जो एंडोजेनेटिक की वजह से आई है, इसको लेवल अप करेगा ये, इसको लेवलर बोलते हैं। एंडोजेनिक फोर्सेस को लेवलर्स भी बोलते हैं, कि तू कितना भी बड़ा हो जा, मैं तेरे को काट पीट के एकदम प्लेन पे कर दूंगा, ठीक है, ऐसा ये एक्सोजेनिक फोर्सेज होते हैं। तो एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेज को समझने के लिए ना एक, मतलब बहुत अच्छा मेटाफोर होता है, जैसे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, देन देर आर सम ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे कि आपकी फैमिली है ना, फैमिली आपको हमेशा मोटिवेट करती है। अगर फैमिली नहीं भी करती है तो आप खुद खुद को हमेशा मोटिवेट करते हो कि नहीं नहीं करना है, होगा, कैसे नहीं होगा, मैं थोड़ी और मेहनत करूंगा। तो आप अंदर से एंडोजेनेटिक फोर्स है, विच इज़ अपलिफ्टिंग यू, विच इज़ मोटिवेटिंग यू, है ना, आपको अपलिफ्ट कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, इसको बोलते हैं वर्टिकल, ऐसे अपलिफ्टमेंट हो रहा है। देन देर इज अनदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो बोलते हैं हाँ बहुत आए तुम्हारे जैसे, तुमसे यूपीएससी हो जाएगा तो फिर तो हम भी कर लेंगे, है ना, इस तरह के बहुत सारे डायलॉग सुनने को मिलते हैं। आई नो आई नो। सो ये बहुत सारे डायलॉगों को हम बोलते हैं एक्सोजेनिक, एक्सटर्नल फोर्सेज हैं, ये एक्सटर्नल फोर्सेज हैं। तो आप जितना ऊपर अपना मोटिवेशन लेके जाते हो, ये एक्सटर्नल फोर्सेज आपको उतना ही कह कह के मोटिवेशन को गिरा देते हैं। तो ये होता है एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेज।
जस्ट अ सिंपल मेटाफोर कि किस तरीके से हम चीज़ों को बहुत इजीली डे टू डे लाइफ में एक्सप्लेन करके उसको समझ सकते हैं। तो दूसरी चीज़ उन्होंने बोली कि जो इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म है ये बहुत ही ऑर्डरली मैनर में होता है, बहुत ही सिस्टमेटिक सीक्वेंस ऑफ लैंडफॉर्म बनेगा। ऐसा नहीं है ओल्ड के बाद मेच्योर के बाद यूथ या ओल्ड के बाद यूथ के बाद मेच्योर, ना 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 ऐसा नहीं चलेगा। एकदम टाइम के साथ में जैसे एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं वैसे ही सिस्टमेटिक सीक्वेंस ऑफ लैंडफॉर्म बनेगा। स्ट्रीम जो है वो अपनी वैलीज को बहुत रैपिडली इरोड करती है जब वो कब जब वो यूथ स्टेज में होती है ना, तभी मैंने बताया था ना कि वर्टिकली रोड कर रही है जब यूथ स्टेज के अंदर होती है। तो एक चीज़ इन्होंने ये बोली थी जिसमें डेविस बहुत फंस गए थे, डेविस का सबसे बड़ा अगर आप बोलो क्रिटिसिज्म ना, तो यही क्रिटिसिज्म था। इन्होंने बोला कि इरोजन डज नॉट स्टार्ट अनटिल अपलिफ्टमेंट इज कम्प्लीट। जब तक अपलिफ्टमेंट का मतलब क्या हुआ, जब एंडोजेनिक फोर्सेज जो चल रहे हैं। तो उन्होंने दो चीज़ें बोली थी, एक तो उन्होंने बोला था कि जब तक अपलिफ्टमेंट पूरा नहीं हो जाता जो इरोजन है वो स्टार्ट नहीं होगा। तो मतलब ये तो बात हो गई कि पहले जो रिवर्स है वो वेट कर रही है कि चलो ओके हिमालय चलो तुम अभी पहले पूरे आ जाओ, उसके बाद में हम इरोजन स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम तुमको लेवल अप करना स्टार्ट करेंगे। ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म था। तो ये मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि अपलिफ्टमेंट एंड इरोजन डजन गो हैंड इन हैंड, दे डू गो हैंड इन हैंड। जैसे ही थोड़ा सा इरोजन होना, जैसे ही थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट होगा वहीं पे इरोजन भी स्टार्ट हो जाता है, चाहे वो विंड इरोजन हो, डिपेंड करता है कि कहाँ पे, चाहे वो विंड इरोजन हो, रनिंग वाटर से इरोजन हो या फिर ग्लेशियर से इरोजन हो, डिपेंडिंग अपॉन वॉट द एनवायरमेंट इज। दूसरी बात इन्होंने ये भी बोली थी कि कोई मेंशन नहीं करा था कि रैपिड, इन्होंने बोला था कि देर इज़ ए शॉर्ट पीरियड ऑफ रैपिड रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट। अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंड मासेज में दो तरह के होते हैं ना, कि स्लो भी हो सकता है सडन भी हो सकता है। सडन के अंदर वोल्केनिक एंड अर्थक्वेक होता है, स्लो के अंदर हम दो पढ़ते हैं इपीरियोजेनिक एंड ओरोजेनिक। इपीरियोजेनिक होता है हमारा कॉन्टिनेंट बिल्डिंग जो वर्टिकल होता है, एंड ओरोजेनिक होता है हमारा हॉरिजॉन्टल जो हमारा माउंटेन बिल्डिंग होता है। तो दोनों तरह का होता है। तो इन्होंने सिर्फ रैपिड रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट को बोला था कि सडनली एक हमारा अपलिफ्टमेंट होगा, वर्टिकल इरेगुलरिटीज बनेंगी, जब वो फिनिश हो जाएगी तो इरोजन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें ना सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म थी डेविस की, इन पे इनका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था। बाकी अगर इन दो चीज़ों को अगर हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, डेविस ने एक्सप्लेनेशंस भी दिए थे कि मैंने ऐसा क्यों बोला, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट डेविस का जो साइकिल ऑफ इरोजन था इट इज़ मोर लाइक अ परफेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन एक्चुअली। तो डेविस का अगर कॉन्सेप्ट देखोगे ना, तो डेविस ने जैसे ये सिंपल कॉन्सेप्ट है जैसे कि ये एरिड का है, एक्चुअली दिस इज एरिड साइकिल ऑफ इरोजन। तो इसके अंदर ये माउंटेंस बने हुए हैं, ठीक है। ये माउंटेंस क्या कर रहे हैं, यहाँ से छोटी बड़ी रिवर्स निकल रही है। अभी ये यूथ स्टेज के अंदर है, ठीक है। अभी यूथ स्टेज के अंदर वैलीज जो है वो डीपन हो रही है, फिर आएगा मेच्योर स्टेज के अंदर। मेच्योर स्टेज के अंदर थोड़ा वाइडनिंग हो रहा है यहाँ पे, और बाद में आता है ओल्ड स्टेज जहाँ पे बिल्कुल प्लेन एरिया हो गया, यहाँ पे पेडिमेंट बन गया है यहाँ पे बिल्कुल, ठीक है। तो ये डेविस का कॉन्सेप्ट था कि किस तरीके से स्टेज बाय स्टेज चलता है। तो डेविस ने रिवर के लिए इस तरह का एक पूरा प्रोसेस दिया था, इस तरह का ये पूरा इन्होंने ग्राफ दिया था, और इसमें इन्होंने पूरा एक्सप्लेन करा था कि ऐसे अपलिफ्टमेंट होगा और इस तरीके से इरोजन होगा। अगर इसको समझ लिया तो डेविस का स्टेज ऑफ स्लोप डेवलपमेंट इज डन। ध्यान से सुनो मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना, इधर उधर फोकस मत तोड़ना। देखो दो हैं इसके अंदर, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। वाई एक्सिस जो है ये एल्टीट्यूड बता रही है कि कितना ऊंचा है, एक्स एक्सिस जो है ये टाइम बता रही है कि टाइम के, क्योंकि इन्होंने क्या बोला, इन्होंने टाइम को एक अपना ट्रायो में रखा था ना कि सिस्टमेटिक इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट होगा। तो सिस्टमेटिक इवोल्यूशन के अंदर सबसे पहले तो, और दूसरी बात इन्होंने ये चीज़ क्या बोली थी यहाँ पे कि भाई जब तक अपलिफ्टमेंट कंप्लीट नहीं होगा इरोजन स्टार्ट नहीं होगा। तो ये यहाँ पे सी तक इनका अपलिफ्टमेंट हो रहा है, सी तक अपलिफ्टमेंट हो रहा है, तो अपलिफ्टमेंट जब तक नहीं होगा इरोजन स्टार्ट नहीं होगा। तो डेविस का जो एक्चुअल साइकिल है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। ए से डी यूथ स्टेज है, डी से जी जो है वो मेच्योर स्टेज है, और जी से आगे ये हमारा ओल्ड स्टेज है। और ये जो लाइन आपको दिख रही है ए डी जी, ये ए डी जी इस बेस लाइन, बेस लाइन का मतलब है कि इससे नीचे रिवर का इरोजन नहीं होगा, मतलब यहाँ तक ही पहुँचेगा, ये सारा कट के बस यहाँ पे लेवल अप हो जाएगा, इसके नीचे डिप्रेशन नहीं बनेगा। ऐसा नहीं कि आप इसको काटते रहोगे, दिस इज़ द बेस लेवल, बेस लेवल से नीचे इरोजन कभी नहीं होता है, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। अब देखो पहले ये ए बी सी डी क्या है। सी जो है ना, सी है
सी ए सी को हम बोलते हैं मैक्सिमम एब्सोल्यूट रिलीफ। मैक्सिमम एब्सोल्यूट रिलीफ क्या होता है कि इस पूरे माउंटेन की, इस पूरे अपलिफ्टमेंट की हाइट जो है ना वो इतनी है, ठीक है। फिर हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है बी सी। बी सी क्या है? बी सी को हम बोलते हैं इनिशियल एवरेज रिलीफ। इनिशियल एवरेज रिलीफ क्या होता है? दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन दी, ये सी जो है इसको आप चाहे हिल टॉप बोल लो, चाहे आप वाटर डिवाइड बोल लो, जो पीक होती है ना, चाहे वाटर डिवाइड बोल लो, ये सारी चीज़ें हैं। तो और बी क्या, और यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, दिस इज़ वैली, ठीक है, दिस इज़ वैली। तो बी सी क्या है? बी है वैली पॉइंट, दिस इज़ दी एल सी लोअर कर्व, यू सी इज अपर कर्व। एल सी एंड यू सी को ध्यान रखना, यू सी अपर कर्व। अपर कर्व का मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर हाई एल्टीट्यूड, हाईएस्ट एल्टीट्यूड को मिलाती हुई जो लाइन है, हाईएस्ट डिवाइडिंग समिट को मिलाती हुई जो लाइन है, उसको हम बोलते हैं अपर कर्व। लोअर कर्व जो वैलीज को मिला रहा है, ये ऐसे वी दिख रहा है आपको, ये वी वैलीज, ये वैलीज हैं, इन वैलीज को मिलाने वाली जो लाइन है उसको हम बोलते हैं लोअर कर्व। तो बी सी जो है ये अपर कर्व और लोअर कर्व के बीच का डिफरेंस है, इसको वो कट करना स्टार्ट करेगी, ठीक है। अभी आप देखो कि आपको दो तीन चीज़ें दिखेगी, जैसे हम पहले यूथ स्टेज करेंगे तो यूथ स्टेज में करते हैं। अभी यहाँ पे ये वाली लाइन है, आपको इसमें ज़्यादा ऐसे दिख नहीं रहा होगा वेरिएशन, ऐसा लग रहा होगा पैरेलल सी चल रही है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल सी चल रही है, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डिप दिख रहा होगा। आप ये डिप कैसे समझ सकते हो? बी सी ये क्या है? यू सी माइनस एल सी, सिंपल सिंपल है। अच्छा, ई एफ, ई एफ क्या है? यू सी माइनस ई एफ, ओके, मतलब यू सी माइनस एल सी। अभी आप मेरे को बताओ कि क्या ये, इसको मैं बोल दूँ ए, अभी हाल फिलहाल मैंने इसको ए बोला है और इसके डिफरेंस को मैंने बोला है बी, व्हाट डू यू थिंक इज द राइट वन? इज बी ग्रेटर देन ए और इज ए ग्रेटर देन बी? विच वन इज ग्रेटर? बी इज ग्रेटर, बी इज ग्रेटर, ये डिफरेंस ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे वैली बहुत कटी है, मतलब डीप हुई है, इरोजन हुआ है यहाँ पे, दिस इज मूविंग, समझ आएगा अभी। सबसे पहले यूथ स्टेज देखो, तो यूथ स्टेज के अंदर क्या बोला इन्होंने, पहले तो यही बात बोल दी थी कि इरोजन स्टार्ट नहीं होगा जब तक आपका अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंडमास खत्म नहीं होता, जब तक वो पूरा उठ नहीं जाता माउंटेन जो है, वो पूरा उसका अपलिफ्टमेंट खत्म नहीं हो गया, तब तक कोई इरोजन स्टार्ट नहीं होगा, तब तक इरोजन वेट करेगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इरोजन स्टार्ट हो गया। जैसे ही, जैसे अगर आप कभी माउंटेन एरिया में गए हो या अगर आप वहाँ रहते हो, तो आपने देखा होगा कि माउंटेन में आपको छोटे छोटे रिवर स्ट्रीम्स मिलती हैं, बहुत बड़ी, जैसे गंगा जितनी बड़ी रिवर नहीं मिलेगी आपको, छोटी छोटी रिवर स्ट्रीम्स मिलती हैं, छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज होती है जो फाइनली प्लेन एरिया पे आके मिल जाती है अपनी एक मेजर ट्रिब्यूटरीज, एक मेजर रिवर के साथ, और एक बड़ी रिवर बना लेती है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यूथ स्टेज में क्या हो रहा है कि माउंटेन जो है, यहाँ पे मैं बना देती हूँ, ये जो माउंटेन है यहाँ पे छोटी छोटी रिवर स्ट्रीम्स हैं, ये रिवर स्ट्रीम्स बहुत ज़्यादा इरोज नहीं करती हैं, बहुत ज़्यादा इरोड नहीं करेंगी, लेकिन ये हेडवर्ड इरोजन करती हैं। हेडवर्ड इरोजन क्या होता है? देखो, हेडवर्ड, हेड की तरफ जो इरोजन हो रहा है, रिवर यहाँ से निकली, ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, ये अपने सोर्स की तरफ अगर इस तरीके से इरोड करती है, ठीक है, अपने सोर्स की तरफ जब इसका इरोजन चलता है तो उसको हम बोलते हैं हेडवर्ड इरोजन। इसकी वजह से लेंथ ऑफ जो रिवर है वो इंक्रीज हो रही है, इट इज़ इरोडिंग इट्स सोर्स रीजन, उसको हम बोलते हैं हेडवर्ड इरोजन। इसकी वजह से स्ट्रीम लेंथनिंग होती है, लेंथ ऑफ द स्ट्रीम इज इंक्रीज, दो चीज़ें होगी। तीसरी चीज़ देखो, यहाँ पे जो रिवर है वो वैली को डीप करेगी, यहाँ पे इस तरीके से वैली को कट करा जाएगा, ये दिख रहा है आपको, ये वैली डीपनिंग हो रही है। ये जो डिफरेंस मैंने आपसे पूछा था ना बी और ए का, दिस इज़ द वैली डीपनिंग डिफरेंस, कि यहाँ से इसने वैली को कट करना स्टार्ट करा है, इसीलिए जो लोअर कर्व है ना ये नीचे की तरफ जा रहा है, समझ रहे हो मेरी बात को? अभी क्या है, रिवर के अंदर यूथ स्टेज में बहुत पावर है, बहुत इंटेंसिटी है, बहुत उसका वाटर कैरिंग कैपेसिटी है, ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी अच्छा है, तो वो बड़े बड़े बोल्डर लेके आती है। ये बड़े बड़े बोल्डर जो हैं ये पिट होल्स बनाते हैं, ये पिट होल्स क्या करते हैं, इसको पोथ होल ड्रिलिंग बोलते हैं हम। जैसे सिंपल एग्जाम्पल देखो, सिंपल एग्जाम्पल के अंदर मान लो रोड है, रोड के बीच में कहीं पे ना एक छोटा सा खड्डा हो गया है, और वहाँ से मतलब आपने देखा कि बारिश हो रही है, बारिश में वो खड्डा भर गया और वो खड्डा बड़ा 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 होने लग जाता है, तो उसको हम बोलते हैं पोथ होल ड्रिलिंग। इस तरीके से रिवर जब अपने साथ में बड़े बड़े बोल्डर्स लेके आती है, तो ये जो बड़े बोल्डर्स हैं ये पोथ होल ड्रिलिंग करते हैं, ये वर्टिकल इरोजन करते हैं। वर्टिकल इरोजन किसको बोलते हैं? ऐसे वैली में नीचे की तरफ जो इरोजन होता है इस तरीके से, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल इरोजन। वैली डीप हो रही है, कैसे पता चला मुझे ये डिफरेंस?
ई एफ इज ग्रेटर देन बी सी, बी सी पे इतना इरोजन, इतना डिस्टेंस नहीं है, ई एफ पे ये जो डिस्टेंस है ये इंक्रीज हो गया है, और मेरा जो लोअर कर्व है ये कंटिन्यूसली रैपिडली फॉल हो रहा है, ठीक है, दो चीज़ें मुझे पता चली। अच्छा, तीसरी चीज़ मुझे क्या पता चली, चौथी चीज़ मुझे क्या पता चली कि जो वैलीज़ हैं वो डीप तो हो रही हैं और नैरो भी हैं, क्योंकि पानी क्या है कि ज़्यादा मतलब बह रहा है इंटेंसिटी से, लेकिन बिल्कुल एक नैरो चैनल के अंदर बह रहा है, तो बहुत ही स्टीप वैली साइड बनेंगे यहाँ पे कॉन्वेक्स प्लेन में, कॉन्वेक्स। तो अभी पूरा अगर मैं बोलूँ, अगर मैं पूरा वर्टिकल इरोजन हो रहा है, वर्टिकल इरोजन की वजह से जो वैली है वर्टिकली कट हो रही है, जब ये कट होगी उतनी ये डीप होगी, मैंने वाइड नहीं बोला है, वाइड मैं बोलती तो क्या होता है लेटरल इरोजन होता, वाइडनिंग मतलब चौड़ी हो रही है, डीपनिंग मतलब गहरी हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है गहरी हो रही है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है स्टीप चैनल ग्रेडियंट है, जाहिर सी बात है। और क्यों हो रहा है ये, क्योंकि जो रिवर है उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी रिवर की बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स लेके आ रही है, पोथोल ड्रिलिंग हो रही है इसकी वजह से, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि बार बार जो इरोजन हो रहा है वो नीचे डीपनिंग की तरफ हो रहा है, रिवर की ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी बहुत हाई है, बड़े बोल्डर्स लेके आती है और उसको वैली को वर्टिकल इरोजन डीप वैली करती रहती है, उसको काटती रहती है। तो ये सारी स्टेज चल रही है यहाँ पे, ए से डी के बीच में जो यूथ स्टेज है वो मेरी चल रही है। तो यहाँ पे तीन चार चीज़ें तो मैंने देख ली, एक तो मेरा जो लोअर कर्व है ये फॉल हो रहा है, हो गया ये लोअर कर्व यहाँ पे फॉल, ठीक है हो रहा है ना यहाँ पे फॉल, लेकिन जो मेरा अपर कर्व है ये मेरा फॉल नहीं हो रहा, अपर कर्व मेरा स्टैटिक है। तो अपर कर्व में क्या, अपर कर्व फॉल कब होगा, जब ये माउंटेन का हेड, मान लो कि माउंटेन का हेड इरोड होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है यूथ स्टेज के अंदर रिवर का फोकस वैली डीपनिंग पे है, अभी किसी भी तरह का माउंटेन हेड इरोजन नहीं हो रहा है। दूसरी मैंने क्या बोली कि जो मेरी रिलेटिव रिलीफ है इट कंटिन्यू टू इंक्रीज, कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है, रिलेटिव रिलीफ क्या हुई मेरी, ये डिफरेंस बिटवीन दीज टू, बी सी, बी सी इज लेसर देन ई एफ नाउ, ई एफ बड़ा हो गया, इसका मतलब मेरी जो रिलेटिव रिलीफ है वो इंक्रीज हो गई है। तो नटशेल में हम कह सकते हैं कि यूथ स्टेज के अंदर क्या हो रहा है, एक तो वैली डीप हो रही है, वर्टिकल इरोजन हो रहा है ग्रेजुअली, वैली डीप हो रही है, वैली, और ये क्या हो रहा है, छोटे छोटे रिवर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा मेरा डिफरेंस बिटवीन एल सी एंड बी सी ऑल्सो, ये भी इंक्रीज़ हो रहा है, रिलेटिव रिलीफ मेरी इंक्रीज़ हो रही है। यूथ स्टेज हो गई, आ जाओ मेच्योर स्टेज के अंदर, मेच्योर स्टेज में क्या होगा, ये थोड़ा सा लोअर लेवल पे आ जाएगी यहाँ पे, और क्या होगा वर्टिकल नहीं बल्कि लेटरल इरोजन पे ध्यान दिया जाएगा। अभी यहाँ पे सिर्फ इस डायग्राम के अंदर ही देखो एक बार, इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस और इनके बीच का डिफरेंस, डू यू सी द डिफरेंस, डू यू सी द डिफरेंस, ये डिफरेंस है लेटरल इरोजन की वजह से, किसकी वजह से, लेटरल इरोजन की वजह से। और ये ई एफ और एच जी, ये इसमें आपको लगता है कि ज़्यादा डिफरेंस होगा, मे भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मेच्योर स्टेज के अंदर रिवर जो है वो वाइड हो रही है, चौड़ी हो रही है, बैंक कटिंग कर रही है यहाँ पे, ये वर्टिकली ज़्यादा डीप नहीं हो रही है, तो ई एफ और एच जी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन इसमें डेफिनेटली वाइडनिंग में बहुत डिफरेंस होगा इनकी। तो ये इसका वन ऑफ दी मेन फीचर है। तो आ जाओ मेच्योर स्टेज में, मेच्योर स्टेज में वर्टिकल इरोजन जो है वो रिड्यूस हो गया है, मैं कतई नहीं बोल रही हूँ कि खत्म हो गया, मैं बस ये बोल रही हूँ कि कम हो गया, क्योंकि रिवर क्या है थोड़े से प्लेन एरिया पे, थोड़े से कम स्लोप पे आ गई है। अच्छा, यहाँ पे ग्रेडेड कंडीशंस जो हैं वो लार्ज एरिया पे स्प्रेड हो जाएंगी। इसमें क्या हो रही है कि मोस्ट जो ट्रिब्यूटरीज माउंटेन में थी वो सारी की सारी एक साथ मिलके इन्होंने एक बड़ा चैनल बना लिया है यहाँ पे। देखा समिट ऑफ जो वाटर डिवाइड है वो कटिंग, अब दिख रहा है ये जो अपर कर्व है, इज इट रिड्यूसिंग, कैन यू सी, अब फॉल हो रहा है ना, इसमें रैपिड फॉल हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वाटर डिवाइड समिट्स हैं ये कट रही हैं, मतलब ऐसे मान लो कि जो हिमालय है वो अरावली की तरफ, अरावली वाली हाइट में जाने के लिए रेडी हो रहा है, ठीक है। अरावलीज भी तो एक ज़माने में हिमालय जितने ऊंचे थे, अब तो इरोड हो गए हैं वो, तो हिमालय जो है वो अरावली की तरफ जाने की मिडिल स्टेज के अंदर है। तीसरी चीज़ क्या है, अपर कर्व हो गया, तीसरी चीज़ क्या है कि जो एब्सोल्यूट रिलीफ और रिलेटिव रिलीफ है दोनों ही डिक्रीज हो रही है। एब्सोल्यूट रिलीफ थी मेरी ये वाली, हो गई डिक्रीज हो रही है ना, डिक्रीज हो रही है, और रिलेटिव रिलीफ क्या हो गई मेरी, ये बीच का जो डिफरेंस था इन दोनों का, बीच का डिफरेंस भी, हाँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपको वैली डीपनिंग बहुत कम मिलेगी, वर्टिकल इरोजन वैली इंसाइशन जो है जिसको वैली इंसाइशन भी बोलते हैं, ये बहुत कम हो गया है। यहाँ पे क्या हो रहा है, लेटरल इरोजन हो रहा है, फ्लो वेलोसिटी थोड़ा कम हो गया है, चैनल ग्रेडियंट कम हो गया है। और यूथ स्टेज में हमने क्या देखा था, ये सब एकदम पीक पे था, ठीक है, एकदम सब पीक पे, स्टीप ग्रेडियंट है, इंक्रीज इन वेलोसिटी है, इंक्रीज इन ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी है। मेच्योर स्टेज में थोड़ा स्टेबल हो गया, बोला कि ठीक है यार अब थोड़ा स्टेबल आ जाते हैं, एनर्जी अभी कहीं और फोकस करनी पड़ेगी, तो हमने क्या करा, चैनल ग्रेडियंट डिक्रीज हो गया, फ्लो वेलोसिटी डिक्रीज हो गई है। तो ये हो गई मेच्योर स्टेज।
ठीक है, मेच्योर स्टेज इज डन, अब आ जाओ ओल्ड स्टेज पे। ओल्ड स्टेज पे क्या हो रहा है, ओल्ड स्टेज पे तो कतई वर्टिकल इरोजन अभी इतना थक गया है ना कि अब बोल रहे हैं कि बस अब शरारत हो ही नहीं रही है, अब तो बिल्कुल कोई कोई वर्टिकल इरोजन, कोई कटिंग नहीं हो रही है। आई एम जस्ट सो टायर्ड, बस थोड़ा सा मैं पढ़ किताबें विताबें पढ़ लेता हूँ, लेटरल इरोजन अपना नॉलेज जो है उसको वाइडन कर देता हूँ। तो वेली वाइडनिंग है एंड लेटरल इरोजन थोड़ा अभी भी चल रहा है, अभी भी जो रिवर है अपना हल्का फुल्का लेटरल इरोजन हॉरिजॉन्टल इरोजन कर रही है, बट वर्टिकल इज कम्प्लीटली डन, अभी उसे वर्टिकल इरोजन नहीं हो रहा है। वाटर डिवाइड जो है वो जनरली हो गए हैं, पूरे इरोड हो गए, हिमालय जो है वो अरावली में कन्वर्ट हो गया है। इस तरीके से यू कैन सी कि ये ओल्ड स्टेज है, ओल्ड स्टेज के अंदर यू कैन सी कि किस तरीके से जो वाटर डिवाइड समिट्स हैं वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, ये पेने प्लेन बना लेगा, मोनोडोनक्स बन जाएंगे, मोनोडोनक्स के बाद में ये पूरा एकदम प्लेन एरिया हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे पेने प्लेन बोलेंगे, ठीक है। तो जो वैली है वो ऑलमोस्ट फ्लैट हो गई है, फ्लैट वैली जो है इसकी कॉनकेव, इस तरह की कॉनकेव वैली साइड स्लोप बन गए हैं। और यहाँ पे मुझे क्या दिखेगा कि मीएंडर है। मीएंडर्स क्यों बनते हैं, जनरली क्या होता है कि वही मैंने आपको बताया कि रिवर जो प्लेन एरिया पे आ जाती है जहाँ पे स्लोप बहुत कम है और इसमें नंबर ऑफ सेडिमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि रिवर इस तरीके से जहाँ पे भी उसको स्लोप मिलता है वो सर्पिलाकार आकार में होती हुई बस बहती रहती है और इसमें नंबर ऑफ सेडिमेंटेशन बहुत ज़्यादा है। तो इसमें दो होता है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो इसका जो आउटर एरिया है इसको तो ये करती है इरोड, इसको तो ये करती है इरोड, और जो इनर एरिया है यहाँ पे ये बनाती है सेडिमेंट्स। तो यहीं पे बार चैनल्स भी बनते हैं हमारे, लीव्स भी, नेचुरल लीव्स भी बनती है हमारी, यहाँ पे हमको यहाँ पे डिपोजिशन मिलता है और यहाँ से इरोजन होता है, ठीक है। तो ये वापस अभी क्या होगा, यहाँ से मुड़ रही है तो यहाँ पे कटिंग होगी, यहाँ पे इरोजन होगा, फिर यहाँ से कटिंग होगी, यहाँ पे इरोजन होगा, यहाँ पे कटिंग होगी, यहाँ पे इरोजन नहीं सॉरी डिपोजिशन नहीं होगा, यहाँ पे डिपोजिशन होगा, ठीक है। जो बाहर वाला मुंह है इसको कट करती है और जो अंदर वाला है यहाँ पे डिपॉजिट करती है। तो इस तरीके से इसका इरोजन डिपोजिशन चलता रहता है। तो एक डिपोजिशन जब ये इतना हो जाता है कि ये रिवर का बिल्कुल यहाँ से एरिया ब्लॉक हो जाता है, तो इसको कट डाउन करके रिवर बिल्कुल ऐसे सीधी चलेगी और फिर अपना सर्पिलाकार ऐसे चलने लग जाती है। तो ये जो कट डाउन एरिया हो जाता है इसको हम ऑक्सबो लेक बोलते हैं। तो इन सबको हम पढ़ेंगे, जब हम रिवर का पूरा डिटेल स्टडी करेंगे तब पढ़ेंगे। तो फाइनल जो पूरा प्लेन है मेरा वो पेने प्लेन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया, ये मेरी ओल्ड स्टेज हो गई है। पूरा जितना भी बड़ा हिमालय था या बड़ा जो माउंटेन था जो अपलिफ्ट हुआ था सी की स्टेज से लेके मैं इसको बिल्कुल बेस लेवल तक लेके आ गई हूँ। और मैंने क्या बोला था, बेस लेवल से नीचे इरोजन होता नहीं है, तो इरोजन का काम पूरा हो गया है। नाउ दिस इज वन साइकिल ऑफ इरोजन। अब क्या होगा, जैसे हमने अप्लेचियन का एग्जांपल दिखाया था कि फिर से अपलिफ्टमेंट होगा, फिर से माउंटेन बनेगा, फिर से इरोजन होगा, पेने प्लेन बनेगा, और इस तरीके से साइकिल ऑफ इरोजन जो है वो चलते रहेंगे। तो ये डेविस का साइकिल ऑफ इरोजन है। साइकिल ऑफ ड्रेनेज डेवलपमेंट, साइकिल ऑफ स्लोप डेवलपमेंट, अगर आप देखोगे तो यूथ में मेजर रिवर है, मेचोरिटी में फ्लड प्लेन्स बनते हैं, ओल्ड के अंदर रिवर विद फ्लड बनती है जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटरीज निकाल देती हैं, यूथ स्टेज के अंदर ये ट्रिब्यूटरीज से अपना पानी कलेक्ट करती है और ओल्ड स्टेज के अंदर क्योंकि ये जैसे डेल्टा बना रही है जगह जगह पे सेडिमेंट्स बिखार देती है और इसका स्लोप वैसे भी इतना ज़्यादा होता नहीं है, तो ये अपनी डिस्ट्रीब्यूटरीज बना देती है यहाँ पे तरह तरह की डिस्ट्रीब्यूटरीज के थ्रू ये सीधा जाके रिवर में ड्रेन हो जाए, उसमें ओशन में जाके सी में जाके ड्रेन हो जाती है। मेचोरिटी में क्या हो रहा है, आसपास जो एरिया है वहीं पे फ्लड प्लेन पे अपना सेडिमेंटेशन स्प्रेड कर देती है और इधर ही वाइड हो जाती है। इसके अंदर क्या आएगा, स्टेज में एब्सोल्यूट रिलीफ और रिलेटिव रिलीफ में क्या डिफरेंस है कि यूथ में कांस्टेंट है और मेच्योरिटी में डिक्रीज हो रहा है, ओल्ड में फिर से डिक्रीज हो रहा है। एब्सोल्यूट रिलीफ तो कंटिन्यूसली जाहिर सी बात है माउंटेन जो है वो कट ही रहा है, डाउन हो ही रहा है, लेकिन रिलेटिव रिलीफ विच इज द डिफरेंस बिटवीन द वैली एंड द पीक पॉइंट वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जाएगा। वो सिर्फ यूथ में ही इंक्रीज होता है क्योंकि अभी क्या हो रहा है, वैली वाइडनिंग हो रहा था, वैली वाइडनिंग की वजह से द डिफरेंस बिटवीन द पीक पॉइंट एंड द वैली पॉइंट इसका इंक्रीज हो रहा था। उसके बाद में तो क्या हुआ कि पीक खुद ही कटने लग गई और वैली वाइड होने लग गई, तो उनका जो डिफरेंस है दोनों के बीच का वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होने लग गया था। तो ये हमारे डेविस के साइकिल का कंप्लीट थ्योरी है। पॉजिटिव एस्पेक्ट देखो, जब क्रिटिसिज्म करने की बात आए तो हमको दोनों चीज़ें बतानी पड़ेगी। सबसे पहले तो डेविस का जो साइकिल है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत एप्लीकेबल है, मतलब हर किसी को समझ आ जाता है। और उन्होंने अपने अपने पूरे मॉडल को इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करा है, बहुत ही ल्यूसिड कंपेलिंग एंड लाइक डिसार्मिंग स्टाइल के अंदर सिंपल की बहुत सिंपली समझ आ जाता है। और इनका मॉडल बहुत थियोरेटिकल है, बहुत डिटेल्ड है, इसमें पूरा इन्होंने टाइम इवोल्यूशन बताया है कि किस तरीके से यूथ टू मेच्योर टू ओल्ड स्टेज के अंदर जा रही है। और इन्होंने जो हटन ने जो साइक्लिक नेचर ऑफ अर्थ हिस्ट्री बताया था ना, इसको इन्होंने फिर से बताया था। इन्होंने बोला कि हाँ भाई सही बात है, साइक्लिक नेचर ऑफ अर्थ तो हो रहा है, अभी प्लेन बनाए पेने प्लेन, फिर से अपलिफ्टमेंट होगा और इस तरीके से चलेगा। और इन्होंने इनका मतलब ही इज मॉडल इज कैपेबल ऑफ बोथ प्रिडिक्शंस एंड हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशंस ऑल्सो। क्रिटिसिज्म पे आओ, सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म आपको क्या लगता है? मुझे इसके सबसे बड़े दो बड़े क्रिटिसिज्म लगते हैं। एक तो इन्होंने बोला कि यार जब तक अपलिफ्टमेंट नहीं हो जाता इरोजन नहीं होगा,
ठीक है, तो ये मतलब लाइक दिस दिस इज़ अ वेरी नेचुरल प्रोसेस कि जैसे ही लैंड राइज होना स्टार्ट होगी, इरोजन उसका, कटिंग उसका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप ऊपर उठने की कोशिश करते हो, सोसाइटी आपको कुछ ना कुछ ताने मारना शुरू कर देती है, ठीक है। तो ये तो नेचुरल है। और दूसरा इन्होंने बोला था कि जो अपलिफ्टमेंट है वो बहुत ही रैपिड प्रोसेस है, फटाफट बोला था। तो इन्होंने जो स्लो मूवमेंट ऑफ अर्थ है, जो हमारा इपिजेनिक या ओरोजेनिक वाला जो प्रोसेस था, उसको उन्होंने कम्प्लीटली कैंसिल कर दिया था कि ऐसा तो हो ही नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो वो उन्होंने हटा दिया था। और तीसरा, इन्होंने ना बहुत लंबे टाइम तक क्रस्टल स्टेबिलिटी की बात करी थी, विच इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो प्लेट्स है वो कंटिन्यूसली मूव करती रहती हैं। तो ये कंटिन्यूसली मूविंग जब होता है तो टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट या टेक्टोनिक सब्सिडेंस भी होता है। तो ये एक तो ये चीज़ गलत हो गई क्योंकि क्रस्टल स्टेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, जो डब्ल्यू पेंक या वॉल्थर पेंक थे, इन्होंने बोला कि मुझे ये डेविस बार बार टाइम पे एम्फेसिस कर रहे हैं किस तरीके से सिस्टमेटिक इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म होता है, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, मेरे थ्योरी में से मैं टाइम निकाल दूंगा। उसके बाद एन स्टॉलर, हैक, चॉर्ले, इन सब लोगों ने भी डेविस का जो हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म था, इसके कॉन्सेप्ट को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। तो उसके बाद में एक वो नया अपना डायनेमिक इक्विलिब्रियम का थ्योरी भी लेके आए थे, जिसको हम आगे आने वाले क्लासेस के अंदर देखेंगे। तो ये डेविस का पूरा मॉडल था। नाउ आई होप कि आपको साइकिल ऑफ इरोजन समझ आया होगा, ठीक है। मतलब अभी उसके बाद इन्होंने करेक्शंस भी करे, इन्होंने ये भी बोला कि हाँ ठीक है, जब क्योंकि जब इनको बोला कि आप ये बोल रहे हो कि अपलिफ्टमेंट जब तक खत्म नहीं होगा तब तक इरोजन स्टार्ट नहीं होगा, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं मैं करेक्ट करता हूँ, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। उन्होंने बोला कि मेरे कहने का मतलब है कि जब तक अपलिफ्टमेंट होगा तब तक इरोजन जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, और मैंने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इस चीज़ को ऐसे बोल दिया है कि भाई जब तक अपलिफ्टमेंट नहीं होगा तब तक इरोजन नहीं होगा। तो यू डिड नॉट अंडरस्टैंड माई कॉन्सेप्ट वॉज कि आई एम सिंप्लीफाइंग इट, और जब तक अपलिफ्टमेंट होता रहेगा इरोजन जो है वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं होगा, इसलिए आई हैव सेड दिस। तो खैर इन्होंने ये चीज़ भी एक्सेप्ट करी थी और अपनी जो एरर थी इसको इन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दिया था, विच वॉज अ वेरी गुड थिंग। तो ये तो था डेविस का हमारा मॉडल। अगला हम बात करेंगे पेंक में। तो डू गिव मी योर सजेशंस, हाउ डू यू लाइक इट, वट डू यू लाइक इट, वट यू डिड नॉट लाइक इट, वट यू वॉन्ट कि हम लोग इसमें और इंक्लूड करें। सो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड अगला बात करेंगे हम पिंक के बारे में। कूल, तो आई विल सी यू गाइज इन नेक्स्ट। बाय बाय।